गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूं भाई आप सब भी बिल्कुल मजे में होंगे, मैं भी बिल्कुल मजे में। तो भाई जैसा कि देख पा रहा हूं, मेरे सामने खड़ी है मारुति की जिम्नी। जी हाँ दोस्तों, ये है जिम्नी। और भाई बहुत ज़्यादा वेट था मेरे को कि मैं अपने चैनल पे आप लोगों के लिए लेके आऊँ जिम्नी। तो भाई एक हमारे भाई हैं वैभव भाई, जिनकी ये गाड़ी है, ये गाड़ी कौन करते हैं। तो भाई मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन भाई आपको आपकी नई गाड़ी के लिए। तो भाई पहली बार हमारे साथ हमारे चैनल पे आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। तो भाई इसे मैं आज इस गाड़ी के लिए ना मतलब काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि भाई इसका एक ओनरशिप रिव्यू लें प्रॉपर, आप लोगों को मतलब एक बताएंगे कि भाई ने जिम्नी क्यों ली, क्या कारण थे और भाई ऐसा भाई को क्या पसंद, मतलब सारी चीज़ों का एक प्रॉपर ओनरशिप रिव्यू आज ये वीडियो होने जा रही है। तो वैभव भाई सबसे पहले भाई मैं यही पूछता हूँ, आप ये बताओ कि आपने गाड़ी कब ली थी और कितने की पड़ी थी? हमें हो गया भाई गाड़ी लिए कम से कम अभी एक हफ्ता हो गया। 1 वीक आपको हो चुका है? हमने अप्रोक्सीमेट 1 वीक पहले गाड़ी निकलवाई है। ठीक है, गाड़ी हमने तो पूरे फैमिली के उस पर निकलवाई थी, जी सबकी राजी थी कि यही गाड़ी निकलवानी है। अपने को लगभग ये पड़ी है 1650 की दिल्ली में ऑन रोड आपको पड़ गई है। ठीक, तो ये वेरियंट कौन सा है, मैनुअल पेट्रोल या? ठीक है, अल्फा। हाँ ठीक है, मतलब ये मैनुअल पेट्रोल, पेट्रोल ही आती है, डीजल तो आती नहीं है। तो आपने भाई एक चीज़ और बताओ, जैसे कि आपने बताया कि ये गाड़ी मैनुअल है, तो भाई एज ग्रुप हमारा दोनों का सेम है, तो आज के दिन कहीं ना कहीं आप भी दिल्ली में रहते हो, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, 4-5 किलोमीटर का ही गैप है। तो जैसे आज ट्रैफिक मतलब हर चीज़ को देखते हुए लोग ना ऑटोमेटिक की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो आपका क्या कारण था कि आपने मैनुअल ली? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को ये लगता है कि आज के दिन भीड़ भड़ाका देखते हुए एक पैर को रिलैक्स दे देना चाहिए, ऑटोमेटिक ले गए। जितनी भी गाड़ियाँ चलाई आज तक सारी की सारी मैनुअल चलाई हैं। ठीक है, तो एक कंफर्ट जोन जो हमारा जो आता है वो मैनुअल के अंदर आ जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक तो कई बार समझ ही नहीं आता क्योंकि उसमें मेरे को तो नहीं आता। ठीक है, हमने इसके अंदर जैसे मैनुअल निकलवानी थी, उनको अल्फा, तो वो अल्फा जो मॉडल है मैनुअल के अंदर आ रहा है, इसमें वो भी आ रहा था इसका ऑटोमेटिक वाला। हाँ जी, हमने तो उसको समस्या बाहर था हमारे, मतलब आपको मेन ये था कि टारगेट आपका यही लेके चल रहे थे कि मैनुअली लेनी है। बाकी भाई मैं एक चीज़ कहूँगा, आपने बहुत अच्छा किया है मैनुअल लेके, स्पेशली ये गाड़ी, क्योंकि इसमें जो गेयर बॉक्स आता है ना वो है तो टॉर्क कन्वर्टर, लेकिन भाई उसमें गेयर खाली 4 ही मिलते हैं, अब आपको 5 गेयर मिल गए, उसमें 4 हैं। अभी तक मैंने खैर चलाया नहीं है, लेकिन जैसा सुना है वो बहुत ज़्यादा ना एक मतलब लैगी है, मतलब बहुत ज़्यादा RPM पे गेयर शिफ्ट करता है, मतलब पूरी 3-4 हज़ार RPM पे जाके गेयर शिफ्ट, और एक महसूस होता है कि हाँ गेयर शिफ्ट हो रही है, तो वो एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट आ जाता है। दूसरा भाई आप गाड़ी चलाने के शौकीन हो, दूसरा जिम्नी जानी जाती है ऑफ रोडिंग के लिए, तो कहीं ना कहीं मैनुअल बेस्ट है। तो ये तो थी भाई मैनुअल ऑटोमेटिक की बात, अब आप ये बताओ कि जिम्नी ही क्यों, मतलब ऐसा आपको जिम्नी मतलब लेने से पहले ही होता है ना कि आपको ऑफ रोडिंग करनी थी, लुक पसंद आए, क्या था, मतलब आपने और भी कोई गाड़ी देखी होगी? भाई मार्केट में ना आजकल फीवर चल रखा था, ये जो ये सेगमेंट है ना कार कार का, मतलब कार का और इसका हमने तो यार अपने बजट फ्रेंडली हिसाब से। हाँ जी, फैमिली के हिसाब से। ठीक है, पसंद आई जिम्नी। ठीक है जी, और इसको फिर हमने जब दोनों में कंपैरिजन करा, हाँ सब लोगों ने अपने घर वालों से बात वगैरह करी, जिम्नी के लिए। तो दूसरी कौन सी गाड़ी देखी थी आपने? थार देख के आए थे। तो भाई ऐसा क्या थार में पसंद आया? बाकी देखो भाई लाइट तो यही दे रही, क्योंकि भाई अंधेरा हो गया था भाई, क्योंकि थोड़े से आज लेट हो गए थे आने में, तो मैंने सोचा मैं कोई नहीं भाई इतनी हैवी लाइट लगवा रखी है, तो इसका आज पहली बार मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं वही तो आज पहली बार इस गाड़ी के लाइट का ना मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। चलो भाई काम आएगी, आगे शूट करेंगे ना कभी रात को तो पूरा चांदना कर देगी। हाँ भाई भाई, और भाई को मैं कह रहा था कि कुछ मॉडिफिकेशन इस पे भी कराओ। तो हाँ जी भाई ये बताओ फिर आपने मतलब थार में ऐसा क्या माइनस पॉइंट जो मतलब फैमिली वाले भाई खुश नहीं हुए? यार एक तो ये ना थोड़ा हमको बैठने में और चलाने के अंदर ना, एग्जैक्टली भाई सबसे मेन पॉइंट यही है भाई, जब फैमिली की बात आती है भाई। एक चीज़ बताओ, अगर आप अकेले होते जैसे मतलब सिर्फ आपको ही गाड़ी चलानी थी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आप थार पे जाते, लेकिन भाई जब बात आती है ना फैमिली की, तो भाई घर वाले कहते हैं कि थार थूर नहीं लेनी, क्योंकि उसमें भाई चढ़ाई नहीं जाता, इसमें कहाँ से यार, हर कोई दुखी होता है, हर कोई चाहे वो बच्चा है, जवान है, बुढ़ा है, कोई भी है, सब दुखी होते हैं पीछे चढ़ने में। फैमिली वाले भाई आराम से इसमें क्या है, दरवाज़ा खोलो और आराम से जाके बैठ जाओ। तो भाई एक चीज़ और बताओ, ये गाड़ी आपने कितने किलोमीटर चला चुके हो?
750, मतलब अभी 3 डिजिट में, 4 डिजिट में नहीं हुई है, 1000 किलोमीटर पे। बाकी इसकी सर्विस भी होती है, वो भी भाई बताना सर्विस एक्सपीरियंस कैसा था, बाकी एक जनरल चेकअप होता है वो। तो भाई एक चीज़ बताओ, जैसे कि आपने 750 किलोमीटर ये गाड़ी चलाई है, तो 750 किलोमीटर में जैसे कि आपने ऑफ रोडिंग कार ली है, मतलब मल्टी यूज़ होता है इस गाड़ी का, तो कहीं ना कहीं आपने ऑफ रोडिंग करी है, ट्राई करी है? भाई हम इसको जब ये गाड़ी आई है, हाँ जी, पूजा हुई है, उसके बाद हम 3-4 दिन के अंदर ही, हाँ, इसको हम ऑफ रोडिंग के लिए लेके गुड़गांव। ठीक है, वहाँ पे अपना ऑफ रोडिंग एडवेंचर है, आप जानते हो। हाँ हाँ बिल्कुल है, वहीं पे हम गए गाड़ी को लेके। ठीक है, कम से कम 7-8 टास्क पे, जो आपका अंडरग्राउंड हो गया, ऊपर खाना पूरा हो गया, कीचड़ में से निकालते हैं वो भी हो गया उसमें। ठीक है, सारे के सारे वो बना रखा है, रोलर कोस्टर टाइप सा होता है, पूरा आता है गाड़ी, मतलब ऊपर जाएगी फिर पूरी रुकेगी फिर नीचे आएगी। हाँ हाँ, फिर नीचे गिरती है, मतलब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसने हर टेस्ट के अंदर हमें बहुत ही ज्यादा मजा आया। ठीक है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मेरे फादर को बैक पेन है। ओके, तो वो गाड़ी से पहले उतर रहे हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि कहीं ना मतलब झटका वगैरह। हाँ जी, ऐसे वहाँ पे जो इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, नेविगेट कर रहे थे, मैंने उनसे बात करी। हाँ जी, पापा की दिक्कत है, आप बताओ मैं इनको बिठाऊँ या आप कैसे करूँ? हाँ जी, कहता है बिठा दो, अगर कहीं पे धचकी आने वाली होगी हम बता देंगे आपको, इसके इस वाले में दिक्कत है। सही बात है, किसी भी टास्क के अंदर, हाँ जी, उनको ऐसे नहीं लगा कि दिक्कत हो रही है। तो इसका मतलब मैं ये मान सकता हूँ कि इस गाड़ी के अंदर कम्फर्ट है? बहुत कम्फर्ट है। अच्छा, चलो भाई, वो तो पता चलेगा जब हम भी ऑफ रोडिंग करेंगे और इस गाड़ी का एक चला के देखेंगे, अभी तो नहीं चलाएंगे, अंधेरा हो गया है। तो भाई एक बार अब अंदर आ जाओ। बाकी भाई ये देख लो यार, ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से तो भाई काफ़ी ऊंची है यार, कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लग रहा है कि बराबर ही मिल सकती है काफ़ी, लेकिन भाई काफ़ी, लेकिन इसमें ना कोई फुट रेस्ट वगैरह नहीं आता है कि आपको मतलब पैर रख के चढ़ने, लेकिन ईजी टू एक्सेस, मतलब ईजीली आप अंदर बैठ सकते हो। बाकी भाई एक चीज़ बताओ, जैसे कि अंदर बैठते हैं इस गाड़ी के अंदर, तो थोड़ी सी बीची बीची सी लगती है मेरे को, मतलब स्पेस में थोड़ी सी, मतलब वो कहते हैं ना थार थोड़ी सी मतलब चौड़ी है, विर्थ अगर बात करते हैं विर्थ की तो है भाई, वो जो सेगमेंट है ना, हाँ, उसके अंदर तो वो बहुत अपने में एक अलग ही गाड़ी है। हाँ, मतलब थार तो थार है, मतलब थार का कोई कंपैरिजन भाई, एक चीज और बता दो, जो लोग कहते हैं कि जिमनी थार का कंपैरिजन भाई है नहीं है ना, थार कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है। पर अगर आप चाहते हो कोई ऐसी सेगमेंट में गाड़ी ड्राइव करना और फैमिली के हिसाब की भी, हाँ जी, तो आपको मतलब तो जिमनी बेस्ट है, वो आ जाएगी, फील आ जाएगी आपको कि हाँ भी कुछ चला रहे हो, एक छोटी सी गाड़ी जो मतलब एक हर चीज का मतलब आपके हर पर्पज सॉल्व कर देगी गाड़ी। बिल्कुल, आपको ऑफ रोडिंग करनी है वो भी सॉल्व हो जाएगा इसमें। साइज में भी छोटी है, कहीं से भी निकाल लो, कहीं भी खड़ी कर दो, पीछे भी अगर फैमिली जैसे इसमें दे रखे हैं यहाँ पे सीट के अंदर ना, हाँ जी, मतलब 4 लोगों की कैपेसिटी दे रखी है। हाँ हाँ, 4 ही बैठ सकते हैं हमारे फैमिली के, मतलब 5 लोग हम लोग आ जाते हैं इसमें, 4 बड़े 1 छोटा, हाँ जी, बैठ के। हाँ, कहीं मंदिर वगैरह जाना होता है या कहीं इधर उधर घूमने जाना होता है। लेकिन जैसे कि आपने बात बताई है कि 5 आदमी बैठ जाते हैं, तो आप 5 आदमी क्या रिकमेंड करोगे कि 1000-2000 किलोमीटर का अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो? नहीं नहीं, तब बिल्कुल नहीं, सिर्फ जब 4 ही बैठ सकते, मतलब एक छोटा आदमी मतलब कहीं भी जा रहे हो लोकल में तो आप बैठ सकते हो, लेकिन वैसे वैसे लंबे ट्रिप पे नहीं, बहुत अच्छे मतलब तरीके से बैठ के पर कंफर्टेबली जा सकते हैं उसमें, अगर लॉन्ग ड्राइव पे लद्दाख वगैरह हम लेके निकलेंगे प्लान तो करेंगे भाई। देखो भाई बिल्कुल नेक्स्ट ईयर जाना, लेकिन अब मत जाना अब भाई, रास्ते ना मतलब बंद होने वाले हैं, सितंबर आ चुका है, अक्टूबर में बंद हो जाते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट ईयर चलना मेरे साथ ही चलना। ठीक है भाई, मैं तो हर साल जाता हूँ। तो वह भाई एक चीज़ और बताओ, कई लोगों के ना दिमाग में ये चीज़ रहती है कि गाड़ी 4x4 है, माइलेज क्या देती होगी, कहीं ना कहीं हमारे इंडियंस में ना, उसमें मैं भी हूँ आप भी हूँ हर कोई है, कहीं ना कहीं वो कोई, चलो भाई दिखाई दो। तो भाई माइलेज तो यार 8.9 के हिसाब से तो कमी है यार, लेकिन उस हिसाब से भाई आप ड्राइविंग मतलब खींच के चलाते होगी मेरी तरह पंजादाब। भाई देखो गाड़ी पे अब कंट्रोल तो धीरे धीरे बन रहा है। हाँ, साथ भी दे रही है अच्छे तरीके से। 8.9 का, पर लोग इसमें ना वो दे रहे हैं अपना के ये दे देगी 10-11-12 तक का सिटी में, मतलब 11-12 को उम्मीद है, उम्मीद मेरे को है। अभी तक दिखाई आपने 750 में कभी मतलब 8.9 ही रहा या 8.9 से ज्यादा भी दिखाया? मैक्सिमम 9 गया था, अभी तक 9 गया था, जब लेके आया था तो ये कुछ 5.5 के आसपास था, 5-5.5। फिर धीरे 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 थोड़ा लॉन्ग रूट पे गया मैं, मतलब यानी कि 100-150 किलोमीटर का पेंट डाउन करा, तो धीरे धीरे माइलेज बढ़ता है, पर अभी तक तो ये 8.9 और 9 तक अटक गया है, मतलब अंडर मतलब 10 तक की मान के चलता हूँ कि आपको अभी 9-10 की एवरेज दे रही है सिटी में, मान लेते हैं भाई। चलो बाकी जनता डिसाइड कर लेगी भाई, कमेंट करके बता देना कि आपको क्या लगता है 8.9 का हिसाब से, मतलब 9 की तो दे ही रही है, चलो 9 ही मान लेते हैं, 8-9 की एवरेज दे रही है आपको हाईवे पे, कहीं ना कहीं अगर आप नॉर्मल क्रूज करोगे तो 11-12 की दे देगी, तो भाई एवरेज थोड़ी सी कम है भाई, साइज को अगर देखते हैं तो एवरेज काफ़ी कम है भाई, काफ़ी कम है। बाकी भाई प्रैक्टिकल आपको कितनी लग रही है स्टोरेज वगैरह?
हमारे हिसाब से अगर इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर कोई भी बैठेगा, हाँ जी आप बैठो, पीछे अगर दो जने और बैठ जाए हल्का सा कंफर्टेबल में ये है कि सीट अगर जितनी भी आप अपनी सेट कर लो पीछे वाले की टांगों में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके अगर ये चीज पीछे हो रही है बिल्कुल तो दर्द हो रहा है या कोई चीज लग रही है। चलो बैठ के दिखा देते हैं एक बार, कोई बात नहीं भाई, बहुत अरे ठीक है। मतलब भाई अगर देख लो आगे भी आराम से, मतलब मैं आराम से बैठ सकता हूँ, इतनी जगह है आगे, और पीछे भी ये देख सकते हो गाइस मैं बिल्कुल बिल्कुल आराम से बैठा हुआ हूँ। और आप एक बार लेग रूम देख लो, कि ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा लेकिन ठीक है यार। और हेडरूम की अगर बात करता हूँ तो भाई हेडरूम भी बढ़िया है, ज़्यादा बढ़िया नहीं, एक एवरेज बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मेरी हाइट जैसे 5'10" है तो भाई कहीं ना कहीं 6 फुट आदमी ना आराम से ईजिली बैठ जाएगा। लेकिन भाई जो दिक्कत आएगी वो जो मेरे को लग रहा है, वो दरवाज़ा बंद करके दिखाता हूँ भाई। इस हकीकत में इस गाड़ी में सिर्फ और सिर्फ 4 आदमी ही बैठ सकते हैं। मतलब मैं अपना हाथ कर रहा हूँ ना, तो ये देख लो मैं इधर इस वाले दरवाजे पे हाथ ईजिली रख सकता हूँ। वही जो मैं बता रहा था कि ये गाड़ी ना थोड़ी सी भीड़ी है, लेकिन भाई कहीं ना कहीं इसका जो मतलब मेरे को ऐसी लगती है जैसे एक टॉय कार होती है ना, ये उस टाइप की लगती है, मतलब फील ऐसी आती है। क्या भाई हकीकत में टॉय कार सी लगती है, मतलब थोड़े से अगर इसमें अलॉय वगैरह चौड़े हो जाए ना तो एक हम लोग टॉय सा लगता है, मतलब अच्छा लगता है यार। मतलब हाँ मेरे पास है थार, मैं तो भाई थार लवर स्टार्टिंग से हूँ, लेकिन अगर फैमिली के हिसाब की बात आती है भाई प्रेफर कर सकते हैं। ऑफ रोडिंग की बात आती है तो ऑफ रोडिंग का भाई मैं अभी नहीं बताऊँगा, आप लोग कमेंट करके बताओ क्या आप मेरी वाली थार की और वैभव की जिमनी का ऑफ रोडिंग टेस्ट देखना चाहते हो। प्रॉपर दिखाएंगे उसमें कि थार कितनी कैपेबल है, जिमनी कितनी कैपेबल है। दूसरा भाई इस गाड़ी में प्लस पॉइंट क्या है, वो है इस गाड़ी के अंदर आपको प्रॉपर बूट मिल जाता है, जो कि भाई कहाँ से खुलेगा तो भाई ये देख सकते हो काफ़ी अच्छा बूट स्पेस है भाई, बहुत अच्छा बूट स्पेस है, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा। मतलब थार में तो इतना दे देते तो मज़ा ही आ जाता है, इसमें ये 4 आदमी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, आराम से 4 आदमियों का सामान इस गाड़ी में इजीली आ सकता है। और यहाँ पे देख लो लाइट भी दे रखी है, अच्छा यहाँ से ऑन होएगी, ये देख लो काफ़ी अच्छी चीज़ भाई, मज़ा आ गया देख के। भाई आपको कैसा लगता है बूट स्पेस, बहुत है मतलब सफिशेंट है ना, मतलब 4 आदमी अगर आप कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो फैमिली के साथ तो आपका शायद लगेज आराम से 4-5 दिन कहीं जा रहे हो तो ईजिली आ जाएगा, लगेज आराम से आ जाएगा। अगर मतलब कुछ भी रखना चाहे ना, हाँ यहाँ पे चार्जिंग का भी दे रखा है सॉकेट, हाँ 12 वोल्ट का सॉकेट भी मिल जाता है आपको। मतलब वही कुल मिला के भाई एक ही चीज़ में, मतलब एक शब्द में मैं इसको मतलब डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि एक प्रॉपर फैमिली कार ये है, प्लस पॉइंट विद 4x4। आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है यहाँ पे जो कि इसकी लुक बढ़ा देता है। बाकी भाई छोटी सी गाड़ी भाई, एक बार खड़े हो ना भाई ये देख लो, मतलब क्यूट सी गाड़ी कहूँगा भाई ये, मतलब सही में मेरे को टॉय कार लगती है। एक मैंने रोड पे गाड़ी देखी थी भाई, उसमें ना टायर थोड़े से बाहर थे, ए ब्लैक कलर आता है ना इसमें, या उसने ब्लैक PPF करा रखी थी, फुल जेड ब्लैक थी, क्या लग रही थी वो गाड़ी, मेरा मतलब नज़र नहीं हट रही थी उस गाड़ी पे से। बाकी भाई यही था कुछ। भाई एक चीज़ और बताओ, आप प्रेफर करोगे अगर किसी के पास 15-16 लाख रुपये तक का बजट है और थार और जिमनी में से कन्फ्यूज़ है, फैमिली के लिए कार लेनी है, अकेले अपने लिए नहीं, जैसे अगर मेरे को ड्राइव करता हूँ तो मैं खुद ही ड्राइव करता हूँ, थार में कोई नहीं बैठता, तो क्या प्रेफर करोगे? अगर 4 लोग अगर आपकी फैमिली में हैं और साथ में अगर एक कार कोई और भी है आपके तो जिमनी आप तो ले सकते हो, आप बिल्कुल ले सकते हो। ठीक है, और इतने बजट के अंदर तो यंगस्टर्स भी आज की डेट में किसी का अगर बजट थोड़ा ज़्यादा हो, बिल्कुल सही बात है, हर चीज़ कंपनी नहीं दे सकती, कुछ अपने शौक के अनुसार आपको काम कराना पड़ेगा। देखना चाहिए कि अपने बजट के हिसाब से अगर लेना चाहोगे 16.5 के अंदर बहुत बढ़िया चीज़ मिल जाएगी आपको, सारी चीज़ें इसमें, बूट स्पेस भी मिलेगा, स्टेयरिंग व्हील भी ठीक है, और जैसे मैंने वो बताया ऑफ रोडिंग का वो तो है ही भाई, ऑफ रोडिंग में तो जबरदस्त है ही, तो मज़ा आ जाएगा। अब एक वीडियो को एंड कर देंगे, लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपको ये इस प्राइस रेंज में जैसे आपने बताया 16.5 लाख रुपये में क्या ये वर्थ है, साढ़े प्राइस को देखते हुए हर चीज़, मतलब मैंने अभी पूछा था आपसे कि कम्फर्ट वगैरह फैमिली के हिसाब की, अब आती है प्राइस भाई 16.5 लाख रुपए, मेरे लिए पूरी 100% ये वर्थ है गाड़ी, और काफ़ी प्यार हो गया मेरे को तो, बल्कि इसे हफ्ते भर में तो बहुत लगाव हो गया। ठीक है भाई, आपके पास और कोई सी दूसरी गाड़ी कौन सी है? हमारे पास एक अर्बन क्रूजर टोयोटा, ठीक है, हाई राइडर, हाँ भी है। तो कुल मिला के मतलब आप 4-5 गाड़ियाँ आप ओन करते हो, तो मतलब आपकी फेवरेट अर्बन क्रूजर में तो यार इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंफर्ट है, तो मतलब आप प्रेफर करते हो, लेनी चाहिए अगर किसी का 16-17 लाख रुपए का बजट है, तो भाई देख लो भाई
कह रहे हैं एज ए ओनर अभी सिर्फ 750 किलोमीटर चलाई, उसमें भाई ने ऑफ रोडिंग भी कर ली, सिटी में चला ही रहे हैं, हाईवे भी चला चुके हैं भाई ने बताया 100-150 किलोमीटर। तो भाई एक ओनरशिप, बाकी भाई आने वाले टाइम में और 5-10 हज़ार किलोमीटर चला लेंगे तो भाई से एक बार फिर से पूछेंगे कि ओवरऑल एक्सपीरियंस, क्योंकि भाई नए नए में तो ना हर आदमी को अपनी गाड़ी पसंद आती है लेकिन कुछ कमियां भी होती हैं, वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। भाई बताएंगे कि इस गाड़ी की क्या क्या नेगेटिव भाई को लगी है। हाँ जी भाई, हेडलाइट वॉशर ये हेल्प करता है भाई, बिल्कुल करता है। थार में क्या करना पड़ता है, उतरेंगे पानी डालेंगे और साफ करनी पड़ती है, ये बहुत काफ़ी यूजफुल फीचर है। लोग कह देते हैं कि कहाँ जरूरत पड़ती है, लेकिन भाई हकीकत में अगर ऑफ रोडिंग की बात आती है ना, क्योंकि कीचड़ में जा रहे हैं तो गाड़ी गंदी होती है, तो उस टाइम पर आपको विजिबिलिटी के लिए हेडलाइट वॉशर काफ़ी हद तक काम आ जाता है। बाकी भाई यही थी कुछ आज की वीडियो, करता हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलता हूँ कल फिर से कुछ नया लेके, कुछ बढ़िया लेके। और बहुत जल्द भाई ड्रैग रेस भी आने वाली है, अगर भाई इजाज़त दे देंगे तो भाई वीडियो को करता हूँ यहीं पर एंड। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।